हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की बेटा फोर्थ क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 157 और जो हमारी डेट है वो है बेटा 30 जनवरी 2021। तो बच्चों, क्लास के बाद सेक्शन में मेंशन करना है कौन सा है आपका, ए है, बी है, सी है या डी है, या इसके अलावा जो भी आपके सेक्शन है वो आपको मेंशन करना है। आपको अपना नाम लिखना है और अपनी टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिएगा। तो डू यू नो द 30th डे ऑफ जनवरी इज ऑब्जर्व एट मातृज डे। जो 30 जनवरी होता है वो क्या है, मातृज डे के रूप में क्या है मनाया जाता है। टू पे होमेज टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, वो क्या है हमारे फादर ऑफ नेशन, वो क्या है देश के पिताजी हैं, हम उन्हें फादर ऑफ नेशन बोलते हैं। हु डेड ऑन दिस डे इन 1848, जो आज के दिन क्या वो हमें छोड़कर चले गए थे। ही इज़ रिमेम्बर्ड विद लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम ब्रिटिश। उनको क्या है, उनके बलिदान के लिए, उनके स्ट्रगल के लिए ब्रिटिश रूल से हमें फ्रीडम, अपनी इंडिया को छुड़ाने के लिए, मतलब आज़ादी दिलाने के लिए उनको हमेशा क्या है प्यार और रिस्पेक्ट के साथ याद किया जाता है। ऑन दिस डे वी विजिट हिज मोस्टली मतलब होते हैं उनकी समाधि पर जाते हैं एट राजघाट दिल्ली, जो राजघाट दिल्ली में है, टू ऑफर प्रेयर्स एंड फ्लावर्स एज अ ट्रिब्यूट टू, उनको समर्पित करते हैं हम फ्लावर और प्रे करते हैं। ये क्या है मार्टियर्स डे जो मनाया जाता है। और उनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, अब हम अपनी जो है स्टोरी पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद अ स्टोरी। शुरू करते हैं, का लिटिल बॉय वुड विजिट हीज ट्री फ्रेंड एवरी डे, उसका जो ट्री फ्रेंड था वो उसके पास हमेशा क्या है आता था। ही वुड क्लाइंब ऑन द ट्री, स्विंग ऑन इट्स ब्रांच एंड ऑल्सो स्लिप अंडर इट्स शेड। वो क्या है उसके, कभी वो क्या है पेड़ पर चढ़ता था, कभी उसकी जो झाड़ियाँ जो उसकी ब्रांचेज थी उस पर झूलता था, और क्या है उसके नीचे भी कभी कभी वो क्या है अधिकतर सोए जाया करता था। एज अ लिटिल बॉय ग्रू अप ही विजिटेड द ट्री रियली, जैसे ही जो बच्चा हुआ धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वो उसने जो आना ट्री के पास आना बहुत कम कर दिया। एज यंग बॉय वैन ही वॉन्टेड मनी, मतलब जब वो बड़ा हो गया तो उसको क्या है मनी चाहिए थी, द ट्री ऑफर्ड हिम इट्स एप्पल टू सेल, तो जो ट्री था उसने अपने एप्पल दिए उसको बेचने के लिए। अ फ्यू ईयर्स लेटर द यंग मैन केम बैक टू द ट्री अगेन, फिर कुछ सालों बाद फिर से वो क्या है ट्री के पास आया। ही वॉज गेटिंग मैरिड एंड वॉन्टेड टू बिल्ड अ हाउस, उसने क्या शादी कर, ही वॉज गेटिंग मैरिड, उसने जो शादी कर रहा था उसको अपने घर बनाना था। हीज फ्रेंड, कौन था ट्री, ऑफर्ड हिम इट्स ब्रांच टू बिल्ड, उसने अपनी जो ट्री था उसने अपनी ब्रांचेस दी घर बनाने के लिए। द यंग मैन डिड नॉट कम बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर क्या है बनाने के बाद जो यंग मैन था बहुत सालों तक क्या है नहीं आया। ठीक है, द ट्री ग्रू एंड वेटिंग फॉर इट्स फ्रेंड, ट्री बढ़ता गया और अपने फ्रेंड के लिए वेट करता रहा। आफ्टर मैनी ईयर्स द यंग मैन वॉन्टेड टू बिल्ड अ बोट टू सेल, ठीक है, तो जो फिर क्या, फिर जो यंग मैन फिर आया और वो क्या है बोट को चलाने के लिए, बोट चलाना चाहता था। ट्री गैडली ऑफर्ड इट्स ट्रंक टू बिल्ड द बोट, फिर जो है उसका जो फ्रेंड था ट्री उसने बहुत खुशी खुशी उसको अपनी ट्रंक दे दी बनाने के लिए। द ट्री वॉज नाउ मेयरली अ स्टम्प, मतलब उसको मतलब अब बहुत मुश्किल से उसका स्टम्प कुछ बचा था। द ट्री वेटेड पेशेंटली फॉर इट्स फ्रेंड, वो बहुत ही मतलब पेशेंसली क्या है मतलब बहुत ही मतलब धैर्य के साथ वो क्या अपने दोस्त का क्या है इंतज़ार करता रहा। एक दिन वन डे द यंग बॉय हु वॉज नाउ एन ओल्ड मैन केम टू मीट हिम, जो यंग बॉय था अब क्या वो एक ओल्ड, जो देखो ये दिखा रखा है ना ओल्ड बन चुका है, अपने दोस्त के पास आया। द ओल्ड मैन रियलाइज हाउ मच द ट्री एंड ट्री हैड गिवन हिम, उसने रियलाइज किया ओल्ड मैन ने कि बहुत पता नहीं जो ट्री था उसने उसको कितना सारा कुछ दिया है। ही डिसाइडेड टू स्पेंड द टाइम विद हीज फ्रेंड, उसने क्या अपने दोस्त के साथ टाइम जो स्पेंड करना डिसाइड किया। एंड सेट ऑन इट्स स्टम्प, जो उसका जो स्टम्प बहुत ही कम जो बचा था उसके ऊपर बैठा। बोथ फ्रेंड्स वर हैप्पी, जब अब दोनों जो फ्रेंड्स हैं बहुत ही हैप्पी हो गए। हमने ये जो है स्टोरी पढ़ ली, अब उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं कि चिल्ड्रन रीड अलाउड दिस इंटरेस्टिंग प्ले द गिविंग ट्री फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड एंड देन कम्प्लीट द सेंटेंसेज वाज गिवन, हमें क्या अपनी जो पढ़ना है और सेंटेंसेज कम्प्लीट करने हैं। वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड जो ट्री था वो क्या है बहुत ही खुश हो गया, तो हम क्या लिखेंगे वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री ट्री
वाज वेरी हैप्पी, क्या जो ट्री था वो बहुत ही हैप्पी हो गया, ट्री वाज वेरी हैप्पी। तो आप ये पेटा लिखे, फिर मैं नेक्स्ट लिखती हूँ, ठीक है। द ट्री वाज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट है द बॉय हैप्पली प्लग द एप्पल, जो बॉय था जो एप्पल का बहुत ही हैप्पली उसने प्लग के बाद तोड़ा, एंड कैरिड देम अवे, और उनको ले गया। क्या आएगा यहाँ पे, एंड कैरिड देम अवे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम सी में, क्या है कि द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री, जो यंग मैन था उसने ट्री की जो ट्रंक थी उसको काटी, एंड सेल्ड अवे इन द बोट, और उसको मतलब बोट में क्या सेल किया, एंड सेल्ड द बोट बना ली उसकी, सेल्ड अवे ए डब्ल्यू ए वाई इन बोट, ठीक है। ये आप अपने जो सेंटेंसेज हैं उसको कंप्लीट कीजिएगा, कंप्लीट कर लिए, चलते हैं आगे। दूसरा क्या है कि चिल्ड्रन हेयर इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर यू, इमेजिन यू आर ट्री, कैन यू मेक द शेप ऑफ ट्री यूजिंग योर बॉडी, के आप अपनी बॉडी को यूज़ करके क्या ट्री की शेप बना सकते हैं, यूज़ योर हैंड्स फिंगर्स लेग्स स्ट्रेच बैंड टर्न, मतलब अपनी आपको पूरी बॉडी को यूज़ करना है, अपने हैंड्स को स्ट्रेच करो, लेग्स को करो, कुछ भी करके आपको बनाना है। इनेक्ट एज यू आर अ ट्री फुल ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स, के आपको इस तरीके से बनाना है कि जो ट्री है वो फुल ऑफ फ्रूट्स और लीव्स से मतलब लदा पड़ा है। लेट सी योर ब्रांचेज स्प्रेड आउट योर हैंड्स साइड में, आप अपनी जो आपको मतलब आपको ये इनेक्ट करना है कि आप एक पेड़ है, आपको अपनी जो ब्रांचेज कैसे निकालेंगे आप पेड़ की, अपने हाथ को स्ट्रेच कर लेंगे। अ ट्री हूज लीव्स आर स्विंग इन द विंड, आपके जो लीव्स हैं लीव्स अपने हाथों की उंगलियों को मान लो वो ऊपर नीचे मूव कर रही हैं, एंड चॉप ट्री विद ओनली अ स्टम्प रिमेनिंग, ठीक है। जब फिर आप जो चॉप करके कैसे आप थोड़ा सा नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये इनेक्ट करना है, बस आपको दिखाना है, ठीक है। और अभिभावकों का क्या है कि बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि उनके मित्र किस प्रकार उनकी मदद करते हैं, बच्चों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हमें एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए, चाहे कोई हमारी मदद करे चाहे ना करे, लेकिन हमारे अंदर मदद की भावना होनी चाहिए, ठीक है। आप मदद करो दूसरों को, ये सोच के मत करो कि दूसरे भी आपकी मदद करेंगे, आप अपने लिए अपनी तरफ से मदद कीजिए, दूसरा करता है नहीं करता वो उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। हमें हमेशा मदद करनी चाहिए एक दूसरे की। तो बच्चों ये आपकी आज की जो है फोर्थ क्लास की वर्कशीट है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए, कोविड 19 से बेटा बच के रहिए। बाय, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, बाय बच्चों।